उदन भाई यहाँ पे कुछ सीन हो गया भाई, कोई बात। साहिल भाई, साहिल भाई, ओ भाई ये क्या है? वो देख उसकी आंखें चमक रही हैं। वो देख मिला भाई। मेरी बात सुन, टेंट में चलते हैं यार, क्योंकि आगे अंधेरा कुछ भी नहीं दिख रहा यार। मेरी बात मत, टेंट में आ जा, टेंट में चलो, टेंट में चलो। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है करण और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैं ट्रैकिंग के लिए कुछ सोचने वाला हूं और हम जाने वाले हैं ट्रैक पे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पे। ये देख सकते हो आप, मैंने अपने कमरे की क्या हालत करके रखी हुई है। ये देखो, ये कुछ सामान हमारा, ये क्या खाने बनाने वाला, और ये मेरा बैग रेडी है। और हम आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं ये हम आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं। साथ में हमारे साथ कौन जाने वाला है ये भी हम आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं। तो चलो फिर उठाते हैं भाई अपना बैकपैक और अब हम मिलते हैं आपको गाड़ी में। ओके, सी यू। तो फिलहाल के लिए ये जो हमारे साथ जाने वाले थे ये आ चुके हैं। ओ, चलो भाई चलो। कैसे हो? ठीक ठीक, आप बताओ। एक्साइटेड हो रहे कार कैंपिंग की? हाँ हाँ, आ जाओ। तो ये सामान मैंने रखा हुआ था यहाँ पर और भाई लोग आ चुके हैं और मिलवाते हैं आपको इनके साथ। तो भाई हम आ चुके हैं कार में और सामान की पैकिंग आप देख सकते हो पीछे, और साहिल भाई कर रहे हैं ड्राइव, ये भाई साहब रवि भाई, एक बंदा और आने वाला, हम आपको बाद में बताते हैं। तो चौथे बंदे यहाँ पर आपको दिख चुके हैं और फिलहाल के लिए भाई, हेलो, ये बंदा है भाई वो जो हमारे साथ चौथा बंदा जाने वाला है। और फिलहाल के लिए हम पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हो चनैनी नेशनल टनल, और भाई हम जाने वाले हैं अब कैंपिंग लोकेशन पे। ठीक है, पूरन भाई ने हमारे लिए कुछ लाया भाई, और ये है वो चीज, इसको बोलते हैं आलू बुखारा, टट्टू फिवरा। हाँ, और ये भाई साहब खा रहे हैं। भाई कैसा? एक नंबर मजा आ गया। तुम भी खाओ ब्रो। नहीं यार, मैंने खाए थे। भाई साहब यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, ये खाना चाहते हैं मक्की। तुम खाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल खाएंगे। तो आ रहा स्वाद, निकर स्वाद आ रहा है। रवि भाई आ गया स्वाद भाई, मजा आ गया। रात के लिए सब्जी हम यहीं से पिक करने वाले हैं, आप देख सकते हो पूरन भाई गोभी लेने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम पहुंच चुके हैं पत्नी टॉप में और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखो दोस्तों, ये जो ये सारा है ना, ये आर्मी एरिया है और यहाँ पर लोग मस्ती करने के लिए आते हैं। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं और हम करने वाले हैं यहाँ पे भाई रात को कैंपिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, और फिर यहाँ पर कोई भी नहीं दिखने वाला होगा। तो सही, लेपर्ड आने वाला है, लेपर्ड भी आ सकता है, कोई पता नहीं है भाई, क्योंकि ये जंगली एरिया है। आप चलो देखो ऐसा होता है लेपर्ड, एक लेपर्ड हमारे साथ बैठा हुआ है। फिलहाल के लिए हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जिस जगह का नाम है सनासर, और यहाँ पर हम करने वाले हैं कैंपिंग। और साहिल भाई देख लो, आप देख रहे हैं कैंपिंग की लोकेशन, और यहाँ पर हमने गाड़ी लगा दी है और लोकेशन हमारे होने वाली है ये, यहाँ पर हम टेंट लगाएंगे और करेंगे कैंपिंग। ये देखो भाई साहब लग चुके हैं। तो फिलहाल के लिए हमने कैंप की तैयारी शुरू कर दी है और साहिल भाई जाते हुए टेंट वगैरह लेके, नहीं पहले तो सिर्फ पत्थर ही साफ करने हमको। रवि भाई शुरू हो जाओ पत्थर साफ करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है काम, कुछ मैंने कर दिया, कुछ ये भाई साफ कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के बाद सारा सेटअप दिखाता हूँ कि क्या क्या होने वाला है हमारे पास और क्या हम कुछ नया एडिशन करा हुआ है। और भाई साहब वो देखो क्या नज़ारे ले रहे हैं, क्या ये YouTube की पहली पेमेंट से लोग अपने माँ बाप अपना घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। मैं ये मेरी ये विरासत है, मेरी ये प्रॉपर्टी है। ये इन्होंने ये पहली इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे की है, और ये दिखने में छोटी है, पता कितनी महंगी है क्योंकि इस पे ब्रांड लगा हुआ है ये चीज। ठीक है, और रवि भाई फील कर रहे हैं कि कैसा फील हो रहा है ब्रो? भाई कंफर्टेबल, इस वाली पे बैठोगे तो और मजा आएगा। तो बस थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, बने रहे इस वीडियो के साथ। इस टाइम हम कर रहे हैं आराम और अब हम शुरू करने वाले हैं कुकिंग की तैयारी, और यहाँ पर आप व्यूज देख सकते हो। ओ भाई क्या नजारा है भाई, क्या मौसम है, और रवि भाई ने चला दिए अंदर से गाने। भाई करो आवाज,
अभी माहौल देखो क्या बन चुका है यहाँ पर। तो भाई काम शुरू हो चुका है, रात के लिए हम रोटी बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये देखो गैसी ऑन कर दी है और साहिल भाई लग पड़े हैं चॉपिंग करने के लिए। भाई शुरू कर दो। और यहाँ पर रवि भाई थोड़ा सीटी को लगा रहे हैं, सीटी ठुल चुकी भी है लेकिन आज हमारे टेंट जुगनू की तरह नहीं चमक रहे हैं क्योंकि हमारी लाइटें खराब हो चुकी हैं। और भाई क्या करना है यार, हर टाइम एक जैसा थोड़े होता है। तो साहिल भाई कर रहे हैं चॉपिंग और जस्ट भाई हमने शुरू कर दिया है रोटी बनाने की तैयारी। और आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा सामान हमारा बिखरा पड़ा है, बस इसको भी करते हैं सेटल। अभी हमने जस्ट गैस ही जलाई और चावल के लिए पानी निकल गया, अभी नहीं लेकिन हमारा यहाँ पे कुकर का ना थोड़ा काम ख़राब हो गया, इसकी सीटी ख़राब हो गई है। यहाँ पर चल रही है थोड़ी गप और मस्ती चल रही है यहाँ पर। और पूरन भाई को आज हमने शेफ बनाया हुआ है, ये गोभी वगैरह काट रहे हैं। पूरन भाई यहाँ पर हाय तो बोल दो। कोई नहीं भाई, आज मौजू भी बनेगा, कल देखते हैं यार। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं हमारे चावल, आप खुद देख सकते हो भाई स्वादिष्ट स्वादिष्ट चावल। भाई उतार दो इसको और ढक्कन लगा दो, नहीं तो कीड़े बड़े आ रहे हैं भाई यहाँ पे। और ये है कुछ इस तरह का व्यू नाइट कैंपिंग हमारा। तो रवि भाई यहाँ पर डाल रहे हैं प्याज तेल में, कड़छी भी देते हैं आपको। और यहाँ पर आए हुए हैं हमारे यहाँ पे एक बड़े से काकरोच भाई, बहुत बड़े बड़े मूछों वाले हैं। हमारा गोभी बनने वाला अब, और फिलहाल के लिए हमने इसको तड़का लगाया। और भाई यहाँ पे कीड़े बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमको बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, जब खाना खुना बना लेते हैं तब आपसे मिलते हैं और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खाना हमारा कैसा बना है। तो भाई साहब ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बातें वगैरह चल रही हैं और खाना खुना बन रहा है। बस अब हम खाना खुना खाएंगे और मज़े से सो जाएंगे इन टेंट के बीच में। तो दोस्तों अब होने वाला है यहाँ पे डिनर और पूरन भाई काट रहे हैं मूली और हम खा रहे हैं। हाँ सैलड काट रहे हैं और थोड़ी देर नमक लगा इसको, नमक लगाऊं एक बात हूँ। हाँ ये जो हम कैंपिंग की सीरीज के लिए निकले ना, तीन चार पाँच छः दिन हफ्ते के लिए, ये मेमोरेबल होने वाली है, मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। ये हैं भाई हमारे यहाँ के चावल जो हमने अभी बनाए और पूरन भाई कर रहे हैं सर्व। और भाई सैलड वगैरह काट दिया, अब हम जस्ट खाना खाने वाले हैं। और साहिल भाई बना रहे हैं, दो दो काम कर रहे हैं अपना, दो भाई का भी। हाँ दो दो यहाँ पर प्लेट भाई दे दी मैंने, सारी प्लेटें, चार प्लेटें हैं ना एक। अब इसको शिफ्ट कर दो सैलड को हर एक प्लेट में। चल पहले चावल डाल लेते हैं। हाँ एक ही बार डाल दें चावल ना सारे। हाँ यार एक ही बार में डाल दे, कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पर ये देखो ये है हमारा गोभी। और भाई देखिए कि करण भाई साहब की आ गई ये। तो भाई रवि भाई जी आपने तो टेस्ट सबसे पहले किया, बताओ टेस्ट कैसा है। वैसे बनाई किसने? ये हमने ही बनाई है, सबने मिलके बनाई है। क्रेडिट सबको जाता है, सबको सबसे ज्यादा क्रेडिट इस बंदे को जाता है क्या लंगड़ी को। खाना वगैरह हमने खा लिया और ये जो सामान है ना जितना भी सारा का सारा, ये अब हम समेटने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कुत्ते वगैरह कोई कुछ भी आ सकता है तो वो हमें रात को डिस्टर्ब कर लेगा अगर ये चीज़ें यहाँ पर होंगी, क्योंकि खाने की जो सुगंध होती है ना वो उनके पास चली जाती है। तो इसीलिए अब हम इसको समेटने वाले हैं। रवि भाई उठाओ फिर ले चलते हैं इसको सारा गाड़ी में। तो भाई जल्दी दी करो यार, अब ठंड लग रही है, अब टेंट के अंदर जाना सोने के लिए। आवाज़ आई ना, किसकी आवाज़ आई यार? भाई अभी आवाज आई है बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर की। भाई आवाज आवाज आई है, आराम से ओए फिर आगे लग जा। ये कहां से आया,
वो क्या दिख रहा है यार? रुक 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 रुक, उसकी आंखें चमक रही है, वो देखो 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 देख, मिला दिख रहा है यार। ये क्या हुई? ये जंगली जानवर है यार। भाई मेरी बात सुन, टेंट में चलते हैं यार, क्योंकि आगे अंधेरा कुछ भी नहीं दिख रहा यार, समझा कर। टेंट में आजा, टेंट में आजा, मेरी बात मत, टेंट में आजा, टेंट में, टेंट में चलो, टेंट में चलो। सही भाई है तो सही कुछ। ओए पास आ रहा है यार वो। ओए एक काम करते हैं क्या, गाड़ी में चलो यार। नहीं भाई गाड़ी में सोना सोना है, गाड़ी में जगह नहीं इतनी बनेगी हम चारों की। तो एक काम करो, ये जितना सारा सामान है ना इसको रख दो, सारा रख दो गाड़ी में फटाफट, क्योंकि ये अभी रात का टाइम हो चुका है, एनिमल्स का टाइम हो गया आने का। तो सारा सामान रख दो यार गाड़ी में और चुपके के सो जाओ यार। भाई सारा सामान उठा लो यार, जो भी दिख रहा है, जल्दी 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 करो, जल्दी करो यार। पता क्या यार, रात को एनिमल्स सारे बाहर ही आएंगे ना, रिस्क होता है, सारा गाड़ी में रख दो सामान यार। जंगल में आई डोंट नो, आवाज आपको सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ये लेपर्ड की आवाज है। आई एम डैम श्योर, 100% डैम श्योर। इधर होते हैं। एक बार मैं लास्ट कैंपिंग कर रहा था ना, तभी से तो एक गाड़ी आई थी, उसने मुझे हमें दिखाया था कि हमें दिखा था। मेरी रास्ते में सुनो, हां टेंट में चलते हैं यार। टेंट में चलो यार, ऐसा ना हो कि भाई लेपर्ड सेफ्टी टेंट के अंदर चले। चलो चलो, सही बात है यार भाई, सच में यहां पर बड़ी आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है आपको, वो मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो रही, बट वो सच में आ रही है। डिफर से आई ये देखो भाई, मैं अगर सच बोल रहा हूं, कोई ड्रामा नहीं है, सीरियसली आवाज है यहां पर भाई। चलो यार, चलो 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 अंदर, चलो यार, चलो अंदर चलो भाई। तो भाई हम सोने वाले हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए सी यू टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए बाय, सी यू टेक केयर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। पूर्ण भाई यहाँ पे कुछ सीन हो गया भाई, कोई बार है। साहिल भाई हथियार निकालो अपना। ओ भाई ये क्या है, ओ तेरी ये क्या है, दो। A few moments later. सुबह के हो रहे 5 और भाई बारिश शुरू हो चुकी है, आप सुन सकते हो आवाज टक टक की। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और बाहर के दर्शन हम आपको करवाते हैं। Oh my God. और भाई कुछ इस तरह का व्यू है सुबह सुबह, वाओ। तो कितना प्यारा लग रहा है और बारिश हुई थी, वाओ। और भाई वो जो कल आवाज आ रही है ना, वो उधर से आ रही थी नीचे, चीते की आवाज। बस अब हमने ब्रेकफास्ट करना है और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम जाने कहाँ वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि ट्रैक में हम ट्रैक पे जाने वाले हैं, और आपको अगले ब्लॉग में ही देखने वाला है कि हम ट्रैक में कहाँ जाने वाले हैं। तब तक के लिए सस्पेंस बना के रखते हैं, ठीक है। सी यू, टेक केयर, बाय।